मकर संक्रांति पर तिल गुड़ खाने का रिवाज है, तो चलिए आज बनाते हैं तिल गुड़ के लड्डू। तो तिल का लड्डू बनाएंगे, मुरमुरे के लड्डू बनाएंगे, बिल्कुल आसान तरीका शेयर कर रही हूँ। हेलो दोस्तों, संध्या जी किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सर्दियाँ बहुत बढ़ गई है और मकर संक्रांति भी बिल्कुल नजदीक आ गया है, तो मकर संक्रांति स्पेशल बनाएंगे आज दो तरह के लड्डू। तो एक तो मुरमुरे की बनाएंगे और एक तिल की। तिल के लड्डू देखिए सभी बनाते हैं, लेकिन कभी कभी बिल्कुल टाइट हो जाता है, जो एकदम तोड़ेंगे ना तो दांतों के नीचे ऐसा लगता है जैसे पत्थर आ गया, कट से बचता है। तो बिल्कुल सॉफ्ट लड्डू बनाने का आसान तरीका बताऊंगी। तो दोनों ही लड्डू बहुत आसान है और बहुत जल्दी बन जाते हैं, तो चलिए फटाफट रेसिपी शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले गैस चालू कर लेते हैं और इस पे एक पैन रख देंगे और इसमें एक कटोरी मूंगफली का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसको हमें धीमी आंच पे भून लेना है। जब ये लाल हो जाएगा, जब आसानी से छिलके उतरने लगेंगे तब तक हमें भूनना है। देखिए आसानी से छिलके उतर रहे हैं, यानी कि मूंगफली हमारी भुन गई है। तो चलिए इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं और ठंडा होने देते हैं। दोबारा पैन को गैस पे रख दिया है मैंने और इसमें एक कटोरी सफ़ेद तिल डाल देंगे। तो तिल को हम पहले अच्छे से साफ़ कर लेंगे, नहीं तो छोटे छोटे कभी कभी कंकड़ पत्थर आते हैं जो दांतों के नीचे अगर लड्डू में जाते हैं तो वो बहुत ही मतलब लड्डू का स्वाद ही बिगाड़ देंगे। तिल को भी हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे भुनना है और तिल हमारा भुन रहा है दोस्तों, और तब तक हम गुड़ को काट लेते हैं। तो टुकड़े कर लेंगे ना छोटे छोटे गुड़ के, तो अच्छे से मतलब इसकी चाशनी बन जाती है। और आप चाहे तो कद्दूकस भी कर सकते हैं, वैसे भी डाल सकते हैं। तो गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े करेंगे ना, तो कभी कभी जो गन्ने के छोटे छोटे रेसे आते हैं वो गुड़ में रहते हैं तो वैसे दिखाई देंगे, तो हमें उससे निकाल लेंगे, क्योंकि चाशनी बनाएंगे तो उसमें पता नहीं चलता है, तो इसलिए छोटे छोटे टुकड़े करके डालें। इधर तिल भून के एक प्लेट में निकाल दिया है मैंने और मूंगफली भी ठंडी हो गई है, तो इसको अच्छे से मसलते हुए इसके छिलके हटा लेने हैं। तो इसे मैं मसल के साफ करके रख देती हूँ और पैन को दोबारा गैस पे रख दिया है और उसमें मैंने थोड़े से पानी डाल दिए हैं ताकि गुड़ अच्छे से पिघल जाए। और इसमें हमें ज़्यादा कड़क चाशनी नहीं बनानी है, बस एक तार की चाशनी बनानी है, जैसे गुड़ थोड़ा चिपचिपा हो जाए, तार बनने लगे तब इसको गैस को बंद कर देना है। और उसमें थोड़े से गोले घिस के डाले हैं मैंने, अगर आपको पसंद नहीं है तो इसकी भी कर सकते हैं, खाली तिल का बना सकते हैं। गैस याद रहे दोस्तों कि मैंने बंद कर दिया है और इसको मिलाते हुए फटाफट हमें ठंडा कर लेना है। तो ये जल्दी ठंडा हो जाएगा तो जल्दी जमने लगता है, तो इस प्रोसेस को ना बहुत जल्दी जल्दी करना होता है। हाथ में थोड़ा सा पानी लगाएंगे और चम्मच की सहायता से थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके इस तरीका से और हाथों पर गोल करके लड्डू बनाएंगे। तो ध्यान रहे कि बहुत गर्म रहता है ये, और इस तरीके से हम छोटे छोटे लड्डू बनानेंगे। और सबसे आसान तरीका बता रही हूँ दोस्तों कि इसे एक चम्मच की सहायता से प्लेट में निकाल लें, ये सबसे आसान तरीका है लड्डू बनाने का। ये देखिए एक चम्मच से जितना भी आपको चाहिए वैसे एक प्लेट में निकाल दें, ताकि एक साइज के लड्डू बने और जल्दी जल्दी बन जाते हैं। और जिस तरीके से हम रखते हैं ना, उसी साइड से एक एक को उठाएंगे और ऐसे गोल करके रख देंगे। और ये लीजिए कितना सुंदर लड्डू हमारे गोल गोल बनके तैयार हो गए हैं। तो इसे तोड़ के भी दिखाऊंगी, थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो। और दोबारा मैंने गैस पे पैन रख दिया है और इसमें मैंने गुड़ डाल दिए हैं और इसकी हमें चाशनी बनानी है। तो ये हम तिल जो मुरमुरे के लड्डू है उसके लिए बना रहे हैं, तो इसमें एक चम्मच घी भी डाल दिया है मैंने, इससे लड्डू में शाइनिंग आती है और लड्डू का स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। तो ये हम बनाएंगे मुरमुरे के लड्डू, उसकी चाशनी थोड़ी कड़क बनती है। तो इसे हम पानी में पहले चेक कर लेते हैं थोड़ा सा डाल के। तो ये देखिए थोड़ा सा डालेंगे एक दो बूंद और ये अभी गोला बन जाता है ऐसे ही, देखिए बिल्कुल ऐसा लग रहा है जेल की तरह। तो ये अभी तैयार नहीं है, कम से कम हमें चाशनी और पकानी पड़ेगी। तो चलिए थोड़ा सा और पका लेते हैं चाशनी को, और 1 से 1.5 मिनट हो गए हैं, गैस के फ्लेम को लो ही रखा है मैंने। दोबारा पानी में डाल के देखती हूँ, जैसे ये टूटने लगेंगे ना कंचे की तरह, ये देखिए तो बजने भी लगते हैं ये कटोरी में जाके, तो समझिए कि चाशनी हमारी तैयार है। गैस को बंद करेंगे और ये देखिए मुरमुरे रखे हैं मेरे पास और इसमें मैंने थोड़े से तिल और मूंगफली मिला दिए हैं और चाशनी को डालेंगे फटाफट और हाथों से नहीं यानी कि चम्मच की सहायता से मिलाएंगे, नहीं तो चाशनी हाथ जल जाएंगे। और इसे मिला लेते हैं, ये भी बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है क्योंकि हाथ जलने लगते हैं। और जैसे हल्का सा ठंडा हो जाएगा तो हाथों से हम इसको अच्छे से मिला लेंगे और मिला के थोड़ा दबा के रखेंगे ताकि गर्म ही रहे, और हाथों में हल्का हल्का पानी लगा के
गोल गोल इसके लड्डू बना लेंगे। गांव में तो बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाते हैं लोग, लेकिन बाहर में इतना बच्चे खाते नहीं हैं, थोड़ा बहुत खाते हैं, तो इसलिए हम थोड़ा ही बनाते हैं। और अगर गोल गोल बनाना है तो किसी भी डब्बे का ढक्कन लीजिए, थोड़ा सा घी लगा दीजिए उसमें, और इस तरीका से उसको बना लेंगे और नाइफ की सहायता से निकाल लेंगे। और देखिए गोल गोल कितने सुंदर लगते हैं। इसी तरीका से हम गोल भी बना लेंगे। आपको अगर इस तरीके से बनाना है तो ऐसे भी बना सकते हैं, और गोल वैसे लड्डू बनाना है तो वैसे भी बना सकते हैं। बहुत सुंदर लगता है दोस्तों, तो इसी तरीका से हम सभी लड्डू को बना लेंगे। ये गोल भी बना सकते हैं इस तरीका से, इस तरीका से भी लड्डू बना सकते हैं मुरमुरे के, और ये तिल के लड्डू इस तरीका से बना सकते हैं। देखिए कितना सॉफ्ट बना है तिल का लड्डू, तो ये देखिए इस तरीका से, देखिए कितना आसानी से टूट जा रहा है। लड्डू हमारे बनके तैयार हो गए हैं, तो इसे हम जूठा भी नहीं करेंगे क्योंकि इसे हमें खिचड़ी पे चढ़ाना होता है। तो ये हमारे लड्डू बनके तैयार होंगे, तो इस तरीके से जरूर बना के ट्राई करिए। अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हैप्पी मकर संक्रांति।